हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभाष इंग्लिश स्कूल, क्लास 8th, साइंस, चैप्टर 3, पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हमने थर्मोप्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में स्टडी किया था। देन टुडेज टॉपिक इज प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को हम किन मटेरियल की अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। टुडे वी इफ वी थिंक ऑफ द स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम्स मोस्ट कॉन्वीनियंट। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस एंड गुड स्ट्रेंथ एंड इजीली हैंडलिंग। जैसा कि हम आज देखते हैं कि जो भी फूड आइटम है वो, जैसे वाटर हो गया तो वो एक पाउच में आने लग गए है ना, उसका जो कवर है वो प्लास्टिक का रहता है, मिल्क का पाउच भी प्लास्टिक का रहता है, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, ये सारे जो आइटम्स हैं प्लास्टिक के वेपर्स में रहते हैं। तो ये हम क्यों लेना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कैसा रहता है, लाइट वेट का रहता है, लोअर प्राइस का रहता है, कम प्राइस रहती है और गुड स्ट्रेंथ रहेगी, मतलब लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है, ईजिली हैंडलिंग हो सकता है, हम उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। बिंग लाइटर इज ए कम्पेयर टू मेटल, और एक इससे लाइटर रहता है, जो भी मेटल्स के कंटेनर रहते हैं, मेटल्स की चीज़ें रहती हैं, उसे लाइट वेट का रहता है। प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। प्लास्टिक का यूज कार में होता है, एयरक्राफ्ट में होता है और स्पेस क्राफ्ट में भी होता है। नेक्स्ट हम अब प्रॉपर्टीज देखेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, फर्स्ट इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव, मतलब वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयरन रस्ट हो जाता है, मतलब लोहे पे जंग लग जाती है जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, बट प्लास्टिक एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट कोडेड इजीली, उस पर कोई भी कोड नहीं जमती है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। इसलिए प्लास्टिक कंटेनर्स में बहुत सारे केमिकल्स भी हम आसानी से रख सकते हैं और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक कैसा है, लाइट वेट का है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग लास्टिंग ही चल सकता है। प्लास्टिक इज अ वेरी प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्टोरिंग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मॉड्यूलेट इनटू द डिफरेंट शेप एंड साइज। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस। जो प्लास्टिक है वो लाइट वेट का है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और आसानी से इसको मोल्ड किया जा सकता है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, साइज का भी हो सकता है, इसको वेरियस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, प्लास्टिक जो है मेटल से सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड आर्टिकल। जो प्लास्टिक का यूज़ है हम घर में भी करते हैं और इंडस्ट्री यूज़ के लिए भी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक से पुअर कंडक्टर होते हैं। यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रिक वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्लास्टिक के पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं वो प्लास्टिक की कवरिंग के रहते हैं। उसका जो इलेक्ट्रिक वायर का ऊपर का जो कवर रहता है वो प्लास्टिक का रहता है। हैंडल्स के जो स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल्स रहते हैं वो भी प्लास्टिक से बने रहते हैं। और जो फ्राइंग पैन्स रहते हैं, जो हम खाना बनाने के लिए जो भी पैन्स हम यूज़ करते हैं, वो भी उसके जो हैंडल्स रहते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी होता है। सम एग्जांपल ऑफ देयर यूजेस आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, सेट यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सीजिंग, डॉक्टर्स ग्लोव्स एंड द नंबर ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। हेल्थ केयर में कैसे होता है इंडस्ट्री में, जैसे कि जो डॉक्टर के ग्लोव्स रहते हैं, हाथों में पहनने के कवर रहते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, सुई जिसमें हम रखते हैं वो भी प्लास्टिक का रहता है, चोट लग जाती है जो पट्टी हम पैकेट पैक करते हैं वो भी काय की रहती है, प्लास्टिक की रहती है, और जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं वो भी काय में रहते हैं, प्लास्टिक में रखते हैं और वो भी प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रो ओवन फॉर कुकिंग फूड। जो भी स्पेशल टाइप के जो प्लास्टिक रहते हैं, जैसे कुकवेयर हो गया, वो माइक्रोवन हो गया, ये जो कुकिंग फूड के लिए यूज़ होते हैं ये भी प्लास्टिक के बने रहते हैं। इन माइक्रोवन द हीट कुक्स द फूड
बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. जो हीट क्या करती है, जो फूड रहता है उसको कुक करती है, बट जो भी प्लास्टिक का वेसल रहता है उसको इफेक्ट नहीं करती है. नेक्स्ट हम देखेंगे टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच द ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता है. इट इज़ द यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर. इसलिए इसको नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम फायर प्रूफ प्लास्टिक. ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजिली. इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेसिस्ट. जो प्लास्टिक की फायर प्रूफ भी यूनिफॉर्म बनती है जो फायरमैन पहनते हैं, और वो मेलामाइन प्लास्टिक की बनी रहती है जो फायर को अपने अंदर समाहित नहीं करती है और वो रेसिस्ट करती है. अब हम देखेंगे 3.6 हमारा टॉपिक है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट. अब प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसा है. व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिन रैपर इन द प्लास्टिक और पैक्ड इन द पॉलीथीन बैग्स. दैट इज द वन रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग द एक्युमुलेटेड इन अवर होम्स. अल्टीमेटली प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज. डिस्पोज ऑफ द प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम. व्हाई, जैसा कि हम शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्केट जाएंगे हम तो प्लास्टिक की थैलीज ले जा रहे हैं, और जो भी हम फूड मतलब जो भी आइटम हम खरीदेंगे वहाँ पे वो प्लास्टिक से ही उसके जो वेपर रहेंगे प्लास्टिक के रहेंगे, और वो हम इधर उधर फेंक देते हैं जिससे एक गार्बेज इकट्ठा हो जाता है और प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है. अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल. ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं उन मटेरियल बैक्टीरिया के एक्शन से उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. और अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल. और ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते हैं उन मटेरियल को हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल. लुक एट द टेबल, टेबल नंबर 3.3. यहाँ पे हमें थ्री कॉलम्स दिए हुए हैं. टाइप ऑफ वेस्ट, किस टाइप के हम वेस्टेज देते हैं. अप्रोक्सीमेटली टाइम टेकन टू डिजनरेट, और इसको कितना टाइम लगता है डिजनरेट होने में. और नेचर ऑफ द मटेरियल, उनका नेचर कैसा होता है. फर्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ वेस्ट में पिल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर फूड शॉप. जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स रहते हैं, छिलके रहते हैं, और जो भी कचा हुआ खाना रहता है उसको 1 या 2 वीक लगते हैं डिजनरेट होने में. और ये जो मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि बैक्टीरिया की जब एक्शन होगी तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, और इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल बोला गया है. पेपर है तो पेपर को 10 to 30 days लगते हैं डिजनरेट होने में, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है. कॉटन क्लॉथ 2 to 5 months लगते हैं, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है. वुड 10 to 15 years लगते हैं, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है. वुलन क्लॉथ को अबाउट 1 year मतलब 1 साल लगता है डिजनरेट होने में, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है. टीन एल्यूमिनियम अदर मेटल कैंस 100 to 500 years. इन मेटल्स को डिजनरेट होने में 100 to 500 years लगते हैं, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. प्लास्टिक बैग, इनको सेवरल ईयर लग जाते हैं, और ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो इस टेबल से हमने क्या समझा कि कुछ ऐसे मटेरियल्स रहते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स रहते हैं जो बायोडिग्रेडेबल्स रहते हैं, और उनको कितना टाइम पीरियड लगता है डिजनरेट होने में. सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को हमने जैसे देखा कि बहुत सालों लगते हैं डिकम्पोज होने में. इट इज़ नॉट ए एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. इट कॉजेज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है. बड़ा एक कारण है एनवायरमेंट पॉल्यूशन का. बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली. इन द प्रोसेस इट रिलीज द लॉट ऑफ द पॉइजनस फ्यूम इन टू द एटमोसफियर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. जैसा कि सिंथेटिक मटेरियल को जब हम जलाते हैं तो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं, और बर्न होते तो वो बहुत सारी पॉइजनियस फ्यूम्स निकालते हैं, जहरीली गैसें निकालते हैं जो एटमोसफियर को पॉल्यूट करती है, और ये एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण बनती है. अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ पे कचरे के ढेर रहते हैं या कूड़ेदान रहता है तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, वहाँ पे खाने आते हैं ना, गार्बेजिंग करने आते हैं,
ईटिंग करने आते हैं गार्बेज में, तो क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे वेस्टेज रहते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे रहते हैं जो पॉलीथीन बैग्स रहते हैं, वेपर्स रहते हैं, जिनको भी वो खा लेते हैं, और फिर क्या होता है उनकी रेस्पायरी सिस्टम की जो नलियाँ हैं जो भी है वो चौक हो जाती है, और जिससे इनकी परत बन जाती है स्टोमच में जाके, जिससे उनकी क्या हो डेथ भी हो सकती है ना। और पॉलीथीन बैग्स को इधर उधर फेंकने से क्या होगा, वहाँ पे जो अगर नालियाँ रहेगी या फिर कुछ भी रहेगा तो वो चौक हो जाएंगे, पानी आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें पॉलीथीन को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और कम से कम यूज़ करना चाहिए। जितना कम यूज़ हम करेंगे उतना एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, मेक द यूज ऑफ बैग मेड अप ऑफ कॉटन एंड जूट व्हेन यू गो फॉर द शॉपिंग। जितना हो सके हमें प्लास्टिक के यूज़ को कम करना चाहिए, और जो हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें कॉटन या जूट के बैग को ही फॉलो करना चाहिए, उनको ही ले जाना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। जो भी बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है उनको सेपरेटली हमें कलेक्ट करना चाहिए और फिर उसको डिस्पोज करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक्स वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। बहुत से ऐसे प्लास्टिक रहते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और थर्मोप्लास्टिक इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। थर्मोप्लास्टिक के जो भी मटेरियल बने रहते हैं वो आसानी से हम रिसाइकल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। हम रिसाइकल करते टाइम हम बहुत सारे कलर वगैरह उसमें एडेड कर सकते हैं। दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, और इससे हमें फूड को स्टोरेज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हम सारा वर्क कर सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द फाइव रूल्स प्रिंसिपल। हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हमें फाइव रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिकवर एंड रिफ्यूज। ये डेवलपमेंट करके हम एनवायरमेंट को फ्रेंडली बना सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। हमें प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और वाटर बॉडीज में कतई नहीं डालना चाहिए और रोड्स पे भी नहीं डालना चाहिए। टेक द कॉटन कैरी बैग एंड जूट बैग व्हाइल गो फॉर द शॉपिंग। शॉपिंग जाते वक्त या मार्केट जाते वक्त हमें कॉटन के बैग्स को या जूट के बैग्स को ही फॉलो करना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक वंस। हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ भी हमें कम से कम करना चाहिए, और स्टील के प्लास्टिक के लंच बॉक्स की जगह हमें स्टील का लंच बॉक्स लेना चाहिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड। देन वर्कशीट, चैप्टर के चैप्टर 3 की हम वर्कशीट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग्स देखेंगे। आर्टिफिशियल सिल्क कृत्रिम रेशम, सिंथेटिक फाइबर संश्लित रेशे, बायोडिग्रेडेबल अपघटित, स्प्रेड फैलाना रिंकल्ड सलवटे, ड्यूरेबल टिकाऊ वुड पल्प लकड़ी की लुगदी, टेक्सचर बनावट पॉलीमर बहुलुक। देन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक, कि कुछ फाइबर सिंथेटिक फाइबर क्यों होते हैं। आंसर इज ऑल फाइबर आर नॉट नेचुरल फाइबर, सम फाइबर आर मैनमेड। The fiber are man-made by artificially or called synthetic fiber. सारे ही फाइबर नेचुरल फाइबर नहीं होते हैं, कुछ फाइबर man-made होते हैं जिनको मानव बनाता है, और जो artificial fiber are made by artificially, जो artificially बनाते हैं उन्हें हम synthetic fiber भी बोलते हैं। Question number 2 is give example which indicate that nylon fiber are very strong. हमको example बताना है, ऐसे example को indicate करना है कि जो nylon fiber को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताएं। आंसर इज नाइलोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर विच इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ पैराशूट एंड द रॉप्स ऑफ द रॉक क्लाइंबिंग। नाइलोन बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है, और जो पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो रस्सी यूज होती वो नाइलोन की फाइबर की होती, इसलिए जो नाइलोन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर द स्टोरिंग फूड। हम प्लास्टिक कंटेनर का ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं फूड को स्टोर करने में। तो आंसर इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर स्टोरिंग फूड आर, इसके एडवांटेज देखेंगे। फर्स्ट इज प्लास्टिक आर लाइट वेट, प्लास्टिक का जो वेट रहता है वो लाइट रहता है। लोअर प्राइस, इसकी प्राइस कम रहती है। गुड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। एंड इजी टू हैंडल, इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. डिफरेंस बताना है हमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में. फर्स्ट हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज दिस प्लास्टिक कैन बी हीटेड एंड मॉड्यूल्ड रिपीटेडली विदआउट लूजिंग देयर प्रॉपर्टीज. जब हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं और उसको मॉड्यूल करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता है. सेकेंड, थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग. थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होता है, हमें बार बार उसको अगर गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट होता जाएगा. थर्ड पॉइंट इज थर्मोप्लास्टिक आर सॉफ्टर देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. जो थर्मोप्लास्टिक रहते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कंपेरिजन में सॉफ्ट होते हैं. इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. पॉलीथीन एंड पीवीसी. पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड. देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फर्स्ट पॉइंट इज दिस प्लास्टिक कैन बी मॉड्यूल ओनली वंस. इन प्लास्टिक को हम एक बार ही जिस शेप में हमने ढाल दिया इसको उसी शेप में रहेंगे, इसको बार बार हम मॉड्यूल नहीं कर सकते हैं. सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन अगेन ऑन हीटिंग. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम बार बार हीट नहीं कर सकते, वो बार बार हीट करने पे वो सॉफ्ट नहीं होगा. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर हार्डर देन थर्मो प्लास्टिक. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहता है वो थर्मोप्लास्टिक के कंपेरिजन में हार्ड रहता है. इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हमें यहाँ बताना है कि ये जो चीज़ें सॉसपेन हैंडल और इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड्स ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने हुए रहते हैं. तो हम आंसर देखेंगे. आंसर इज सबसे पहले हम सॉसपेन हैंडल्स के बारे में देखेंगे. और सॉसपेन हैंडल आर द मेड ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एज दे आर रेसिस्टेंट एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन द नॉर्मल प्लास्टिक. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहते हैं वो क्या होते हैं, गुड क्वालिटी के होते हैं और वो फायर को आसानी से रेसिस्ट कर सकते हैं और इससे कोई भी डिसइफेक्ट नहीं होता है. और जो नॉर्मल प्लास्टिक रहता है उसको हीट करने पे या फिर गर्म करने पे वो क्या होता है, डिमोल्ड हो जाता है. वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्वालिटी रहती है कि वो डिमोल्ड नहीं हो पाता है. वो फायर को रेसिस्ट कर सकता है और टॉलरेट भी कर सकता है. सेकेंड देखेंगे हम इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड्स. ये भी थर्मोप्लास्टिक के क्यों बने हुए रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विचेस प्लग्स और द प्लग बोर्ड आर द मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एज दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहता है वो पुअर कंडक्टर रहता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, अपने अंदर रेसिस्ट नहीं करने देता है ये. क्वेश्चन नंबर 6 इज कैटेगरीज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन टू द कैन बी रिसाइकल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल. यहाँ पे हमें कैटेगराइज करना है कि कौन से ऐसे मटेरियल है जो रिसाइकल हो सकते हैं और कौन से ऐसे मटेरियल है जो रिसाइकल नहीं हो सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आंसर देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसाइकल मटेरियल्स को देखेंगे. मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड. प्लास्टिक टॉय, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स, कैरी बैग्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर. यहाँ पे हमने देखा जो प्लास्टिक के टॉय रहते हैं, बॉल पॉइंट रहती है, पेन रहते हैं या कैरी बैग्स रहते हैं और इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर का जो कवर रहता है, चेयर रहती है, ये सबको हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं. कैन नॉट बी रिसाइकल, ऐसे प्लास्टिक जो हम वापस से उसको वापस नहीं बना सकते हैं. तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल और इलेक्ट्रिक स्विचेस, इन सभी को हम वापस से रिसाइकल नहीं कर सकते हैं. क्यों रिसाइकल नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने रहते हैं, इसलिए इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं. और जो भी ये मटेरियल्स जैसे टॉयज है, बॉल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक वायर का कवर है, प्लास्टिक चेयर, इन सबको हम रिसाइकल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये थर्मो प्लास्टिक के बने होते हैं. जो थर्मो प्लास्टिक रहता है वो मॉड्यूल आराम से हो जाता है और थर्मोसेटिंग आराम से नहीं हो पाता है, इसलिए इनको प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं और इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 7 इज राना वांट्स टू बाय अ शर्ट फॉर समर शुड बी बाय द कॉटन शर्ट मेड बाय फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल. एडवाइस राना गिव योर आंसर. राना ने अपने लिए शर्ट खरीदा तो समर में वो कौन सा शर्ट पहनेगा, मतलब कॉटन का पहनना चाहिए सिंथेटिक पहनना चाहिए, तो हमारा आंसर हमें बताना है. तो आंसर इज आई विल एडवाइज द राना टू वेयर द कॉटन क्लॉथ. सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब द वाटर और स्वेट. हम एडवाइस कॉटन क्लॉथ की क्यों देंगे, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर रहता है वो वाटर और स्वेट को, पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. दे स्टिक टू द बॉडी इन द समर एंड डू नॉट अलाउ द वेंटिलेटर ऑफ द एयर, और बॉडी पे चिपक जाता है और एयर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है.
क्वेश्चन नंबर 8 इज गिव एग्जांपल टू शो दैट द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. हमें एग्जांपल बताना है कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव क्यों रहते हैं नेचर में. आंसर इज द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव दैट डू नॉट रिएक्ट और डू नॉट हैव द केमिकल रिएक्शन. प्लास्टिक नॉन कोरोसिव इसलिए रहते हैं क्योंकि वो किसी भी मटेरियल से रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही वो केमिकल रिएक्शन कोई परफॉर्म करते हैं किसी भी मटेरियल के साथ. इसलिए हम कोई भी मटेरियल प्लास्टिक में उनसे रख सकते हैं. एग्जाम्पल है यहाँ पे बकेट, मग, वाटर बॉटल एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 9 है शुड द हैंडल एंड द ब्रिस्टल ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल्स. एक्सप्लेन योर आंसर. क्या सभी मटेरियल्स और जो हैंडल्स रहते हैं और जो टूथब्रश के ब्रिस्टल रहते हैं क्या हम उसको दोनों को सेम मटेरियल से बना सकते हैं क्या. आंसर इज हैंडल्स एंड द ब्रिस्टल ऑन द टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल. दोनों ही अलग अलग मटेरियल से बनते हैं बिकॉज दे हैव द डिफरेंट यूज एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. क्योंकि उन दोनों के यूजेस अलग है और दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग है. फॉर एग्जाम्पल शुड बी द मच मोर ऑफ द फ्लेक्सिबल देन द हैंडल. क्योंकि जो टूथब्रश के ब्रिस्टल रहते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं और जो हैंडल रहते हैं वो हार्ड रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल कमेंट ऑन दिस एडवाइस. प्लास्टिक का जहाँ तक हो सके हमें कम यूज़ करना चाहिए इसकी हमें एडवाइस देना है. आंसर इज प्लास्टिक टेक द सेवरल ईयर टू डिकम्पोज सो इट इज़ नॉट द एनवायरमेंट फ्रेंडली. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनियस गैसेज विच कॉज द पॉल्यूशन ऑफ द एटमोसफियर. द बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक इज क्वाइट स्लो इट इज़ नॉट बर्न कम्प्लीटली. जो प्लास्टिक होते हैं उनको सेवरल ईयर लगते हैं डिकम्पोज होने में और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है. बर्न करने पर प्लास्टिक पॉइजनियस गैसेस रिलीज करते हैं जो एटमोसफियर में एयर पोल्यूशन का बड़ा बड़ा कारण बनता है. इसलिए और इसकी जो प्रोसेसिंग रहती है जलने की जो प्रोसेसिंग रहती है वो भी बहुत स्लो रहती है और कम्प्लीटली बर्न भी नहीं हो पाता है. देयरफॉर द यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइड एज फॉर एज पॉसिबल. इसलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11 इज मेज द कॉलम. ए ओ बी कॉलम दे रखा है. फर्स्ट इज पॉलिस्टर. तो पॉलिस्टर क्या है. फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली. इसमें रिंकल इजीली नहीं पड़ते हैं. टेफ्लॉन यूज टू मेक द नॉन स्टिक कुकवेयर. टेफ्लॉन से नॉन स्टिक के कुकवेयर हम बनाते हैं. रेयन प्रिपेयर बाय द यूजिंग वुड पल्प. रेयन का यूज़ हम वुड पल्प की हेल्प से बनाते हैं. रेयन को हम वुड पल्प की हेल्प से बनाते हैं. नायलॉन क्या है. ये फुल्ली सिंथेटिक है इसलिए यूजफुल मेकिंग द पैराशूट एंड शॉकिंग. मतलब नायलॉन से हम पैराशूट और शॉक्स वगैरह बनाते हैं. यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है. वर्कशीट इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू.